तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप लोग यहां पर सीएसपी संचालक हैं या फिर एईपीएस संचालक हैं या फिर सीएसपी संचालक या सीएससी संचालक हैं, आप लोग जो है मानकर चलिए कि अगर आप लोग ऑनलाइन से जुड़ के काम करते हैं, एक साइबर कैफे चलाते हैं, तो इस वीडियो में बहुत ही बड़ी हम जानकारी देने वाले हैं। अगर आप लोग यहां पर जो है बायोमेट्रिक डिवाइस को यूज कर रहे हो, आज हम जो इस वीडियो में आपको यहां पर जानकारी देने वाले हैं दोस्तों, वो देने वाले हैं यहां पर L0 डिवाइस के बारे में, जो बायोमेट्रिक डिवाइस है मंत्रा और मोर्फो का, और यहाँ पर जो L1 डिवाइस है उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही बड़ी NPCI है और यहाँ पर AIPS का अपडेट निकल के आ गया है दोस्तों, और आप लोगों को जो है बहुत ही बड़ा यहाँ पर जो है नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करें, आपको जो क्या अपडेट है हम विस्तार से बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं ये जो डिवाइस है L1 और L0 का, ये जो डिवाइस है ये कब तक चलेगा और कब ये बंद हो रहा है, ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप लोग जो है यहाँ पर सीएसपी संचालक हैं और पहले से अगर आप लोगों ने मंत्रा का MFS 100 यहाँ पर जो है आप लोग यूज कर रहे हैं, जो L0 यहाँ पर जो है सीरियल का है, और L0 सीरियल नंबर का जो भी डिवाइस है यहाँ पर जो, उसको जो है 1 जुलाई तक बंद कर दिया जाएगा। NPCI का ये जो अपडेट है वो निकल के सामने आ रहा है, 1 जुलाई से पहले पहले आपको L0 का ये जो डिवाइस है उसको आपको चेंज करके L1 में यहाँ पर जो है लाना पड़ेगा, और L1 में यहाँ पर जो आपको यहाँ पर अपग्रेड करना पड़ेगा आपका अपना डिवाइस। ठीक है, अगर आप लोग जो L0 यहाँ पर जो सीरियल नंबर का डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम आपको बता दें कौन सी L0 डिवाइस है और कौन सा L1 है, पहले ये बात आप समझिए, और दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है एक मंत्रा का L1 डिवाइस है और ये एक L0 यहाँ पर जो सीरियल नंबर का डिवाइस है। यहाँ पर जो हम बेसिकली समझे तो इसमें जो है एक अपग्रेड किया गया है सिक्योरिटी का। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो क्या हुए कि यहाँ पर जो फ्रॉड करने लगे क्लोन फिंगर लगा के, जब से 2-स्टेप वेरिफिकेशन का यहाँ पर जो 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन आया है, 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बाद जो है बहुत सारे रिटेलर दोस्त ऐसे हैं जो अपना फिंगर का क्लोन बनाकर और अपने जो है यहाँ पर शॉप पार्टनर को दे देते थे आईडी चलाने के लिए, और वो जो है अपने मार्केट चले जाते थे या कहीं चलाए जाते थे, तो वो जो है शॉप पे दूसरा पर्सन जो है क्लोन फिंगर लगा के आईडी को यूज करता था, और बहुत सारे फ्रॉड करने वाले जो लोग हैं, बहुत सारे ग्राहकों का जो है क्लोन फिंगर यहाँ पर बनाकर और अकाउंट से पैसा को डिटेक्ट कर लेते थे, और बहुत सारे लोगों का पैसा जो है यहाँ पर लूट कर और वो लोग जो है निकल जाते थे। ठीक है, तो इसको जो है नज़रअंदाज नहीं किया है NPCI, इसे जो है बहुत ही बड़ी सख्ती से यहाँ पर जो है NPCI ने सभी AIPS संचालक को और सभी CSP वालों को यहाँ पर एक जो है निर्देश दिया है L1 डिवाइस में अपग्रेड करने का। L0 सीरीज का जो डिवाइस है दोस्तों, वो जो है 1 जुलाई से बंद हो जाएगा। L0 सीरीज में कौन कौन सा डिवाइस आता है आपको मैं बता दूं। देखिए, मंत्रा का जो एक डिवाइस आता है MFS 100 आता है। ठीक है, MFS 100 अगर आपके पास है, जो यहाँ पर ये वाला डिवाइस है, तो ये डिवाइस जो आपके पास है तो वो जो है L0 यहाँ पर जो है यहाँ पर लिस्ट में आता है। ठीक है, L0 के लिस्ट में ये डिवाइस आता है। और अब हम बात करते हैं मोर्फो का, तो मोर्फो का जो डिवाइस है E1, E2 और E3, ठीक है, ये तीनों जो है L0 की कंडीशन में आता है और ये जो है इसमें लिस्ट में आता है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास E3 से लेकर यहाँ पर E1 तक का डिवाइस है, तो वो जो है यहाँ पर जो L0 सीरीज की यहाँ पर जो है डिवाइस में शामिल होगा, और MFS 100 जो मंत्रा का है L0 सीरीज में इसे यहाँ पर जो है डाला गया है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, यहाँ पर कंपनी तो सबकी एक ही है। मोर्फो का जो है अगर आप लोग लेते हैं तो E3 यहाँ पर जो है वो जो है थोड़ा देर के लिए उसको रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि L1 सीरीज में जो सपोर्टेड है यहाँ पर जो सिक्योरिटी अपडेट, वो जो है E3 में ऑलरेडी है और वो जो है E3 बंद होने वाला नहीं है। यहाँ पर E2 और E1 को जो है मोर्फो की तरफ से 1 जुलाई से बंद किया जाएगा, और AIPS संचालक या बैंक यूजर्स जो भी लोग यहाँ पर इस डिवाइस को यूज करेंगे उसको जो है 1 जुलाई से बंद कर दिया जाएगा, वो लोग यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और मंत्रा का जिन लोगों के पास डिवाइस है दोस्तों, मंत्रा का L1 है तो ठीक है, L1 के अलावा MFS 100 है, तो यहाँ पर जो है उसे आपको जो अपग्रेड करना पड़ेगा MFS 110 में। ठीक है, 110 का ही नाम जो है MF L1 है। यहाँ पर जो आपको मैं बता दूँ, तो एक एक यहाँ पर इमेज भी आपको दिखा देते हैं हम। ये L1 है यहाँ पर मंत्रा का जो आप देख रहे हैं, इसमें जो आपको कलर का डिफरेंस
इंश्योरेंस मिलता है, ठीक है। आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है, आपको जो है L1 बोल के L0 का यहाँ पर डिवाइस थमा दिया जा रहा है। तो आप लोग जो एक कंडीशन में आपको बताता हूँ डिवाइस को यहाँ पर जो है चेक करने का, ठीक है। आप लोग देखिए ये एप्लीकेशन है मंत्रा का, ठीक है, मंत्रा L1 का ये जो है MFS 110, ठीक है, ये डिवाइस जो है इसमें कनेक्ट होगा और MFS 100 जो है यहाँ पर 100 वो मंत्रा RD सर्विस एप्लीकेशन ये वाला जो है इसमें कनेक्ट होता है। तो आप लोग जब डिवाइस ले तो दोनों को चेक करें, अगर L1 होगा तो ये वाले में आपका कनेक्ट होगा और यहाँ पर जो है अगर आपका MFS 100 होगा जो जीरो सीरीज में आता है L1 0 सीरीज में, तो वो जो है इस एप्लीकेशन के अंदर कनेक्ट होगा, ठीक है। अब जो है इससे पता लगा सकते हैं कि आपके साथ जो डिवाइस है या फिर आपके पास जो डिवाइस है वो कौन सा है, L1 का है या फिर L0 सीरीज का है, वो आपको जो है समझ में आ गया। सख्ती से पालन करने के लिए NPCI ने कह दिया है सभी APS संचालक को और सभी बैंक CSP वालों को कि आप लोग जो है 1 जुलाई से इस डिवाइस को अपग्रेड करके L1 सीरीज की डिवाइस परचेज करें, नहीं तो आपका डिवाइस ये जो है बंद हो जाएगा, तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे की क्या अपडेट रहती है, जो अपडेट मुझे मिलेगी NPCI और APS की तरफ से वो मैं आपको आगे प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर अगर आप लोग L1 का डिवाइस यहाँ पर परचेज करना चाहते हैं, L1 का यहाँ पर जो मोर्फो या फिर मंत्रा, तो आप लोग मुझसे जो है यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उस पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग बहुत ही लो प्राइस में यहाँ पर L1 सीरीज का डिवाइस हमसे आप परचेज कर सकते हैं। और एक और अपडेट है जो आने वाले वीडियो में हम बताएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।